सब्सक्राइब कीजिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशाल ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों, अगर आपके घर पे भी इस तरीके की खराब LED लाइट्स पड़ी हैं तो आपको इनको फेंकना नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इन खराब LED लाइट्स का दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही सस्ते में आपकी एक खूबसूरत सी लाइट भी मैं आपको इसी LED लाइट्स से बनाकर दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक का जरूर देखें। पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास LED लाइट है खराब है, यहाँ पर इस तरीके से इसको खोल लेना होगा। जैसे कि दोस्तों हम इस LED लाइट को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की एक प्लेट लगी हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें इस प्लेट को इस तरीके से निकालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं चिमटी के मदद से इसको इस तरीके से निकाल दे रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हमने इस प्लेट को निकाला तो इसके अंदर कोई सर्किट नहीं है, क्योंकि अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो जो LED लाइट्स आ रही हैं उसमें इस तरीके का सर्किट आ रहा है। पावर AC का यहाँ पर डायरेक्ट करंट दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट की IC वगैरह है सब इसी में दी जा रही हैं। तो हमें करना क्या है, इस वाली प्लेट को हमें बिल्कुल बाहर निकाल देना है। तो चलिए मैं आयरन की मदद से इस प्लेट को बाहर निकाल देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से हमने जो यहाँ पर वायर थे उनको निकाल दिया है। इसके बाद इस प्लेट को हमें अलग कर देना है। यहाँ पर हमें कुछ एक गत्ते का इस प्रकार का डिब्बा लेना होगा। दोस्तों अगर आपके घर पे गत्ते का डिब्बा नहीं है तो आप कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्लेट निकाली है आपको कुछ इस तरीके से रखनी होगी और इसके बाद इसका नाप यहाँ पर ले लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पेन की मदद से मैं इसमें कुछ इस तरीके से इसकी गोलाई ले लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर हमने गोलाई को निकाल दिया है और इसके बाद जैसे कि आप देख पाएंगे इतनी जो गोलाई है हमें इसको कट करना होगा। तो चलिए मैं आपको इसको कट करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस गत्ते को कट कर लिया है तो हमें अब इस प्लेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम साइड को फेंक देते हैं। और उसके बाद जो हमारा मेन काम है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको इस लाइट को दोबारा से बनाने के लिए कुछ LED लाइट्स चाहिए होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये आप LED लाइट्स देख रहे हैं हम इसमें इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो बहुत ही सस्ती आपको ये मिल जाती हैं। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 2 रुपये की एक ही आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप होती है वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से इस LED लाइट को लगा लेना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सभी LED लाइट्स को इस गत्ते के टुकड़े में लगा लिया है। इसके बाद हमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें सोल्डरिंग करनी होगी। चलिए दोस्तों मैं आपको इन LED लाइट्स में सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे आपको सोल्डरिंग करनी होगी। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर एक LED लाइट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला वाला जो पॉइंट है ये इससे थोड़ा बड़ा है। तो दोस्तों ये जो बड़ा हिस्सा है ये प्लस है यानी कि पॉजिटिव है, और ये छोटा वाला जो हिस्सा है ये नेगेटिव है यानी कि माइनस। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा, जो ये प्लस वाला हिस्सा है इन LED लाइट का उसको प्लस से ही जोड़ना होगा, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। इसी तरीके से हमें इन सभी LED लाइट को आपस में कनेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं जल्दी से सोल्डरिंग आपको करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सभी LED लाइट्स पर सोल्डरिंग कर ली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ और भी इसमें लगाना होगा। दोस्तों अगर आप 5 वोल्ट का करंट इसमें देने वाले हैं तो यहाँ पर आपको 100 ओम्स के रजिस्टर लगाने होंगे। अगर दोस्तों आप इसमें 12 वोल्ट का करंट देने वाले हैं तो आपको 1K की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगानी होगी। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर 5 वोल्ट का करंट देने वाले हैं तो हमें एक ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आपको कहाँ पर लगाना है, जैसे कि दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे कि मैंने सभी वायर को प्लस और माइनस को एक दूसरे से जोड़ दिया है, तो आपको करने क्या है, जो आपका प्लस वाला वायर है उस पर आपको एक रेजिस्टेंस इस तरीके से लगानी है, और इसके बाद आपको एक वायर माइनस और एक वायर इस वाले पर लगा देनी होगी। इसके बाद दोस्तों आप 5 वोल्ट का करंट दीजिएगा। चलिए मैं आपको इसकी सोल्डरिंग भी करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्किट बनकर रेडी है। तो गाइस इसके बाद हमें आना होगा दोबारा से अपनी LED लाइट पर। और दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे के साइड में जो ये जहाँ से आप होल्डर पर लगाते हैं इसमें जो 2 वायर हैं आपको इनको निकालना होगा। तो यहाँ पर सोल्डर की मदद से हम कुछ इस तरीके से इसको करेंगे और इन 2 वायरों को यहाँ पर निकाल देंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने दोनों वायर को निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा होल भी कर लिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें इसमें होल करते टाइम थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ये कांच का होता है। इसके बाद दोस्तों हमने जो भी सर्किट यहाँ पर तैयार किया था उसके वायर को इस प्रकार से लेना होगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वायर को हमें थोड़ा एक आधा गारंटी इस टाइप की लगा देनी होगी।
बस दोस्तों यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, हमें ये होल्डर लेना है और इस तरीके से ये वायर को डाल देना होगा। उसके बाद इस वायर को यहाँ से निकाल लेना होगा और जो हमारा सर्किट है उसको कुछ इस तरीके से फिट करके ग्लू गन या फिर किसी और चीज़ से हमें इसको चिपका देना होगा। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो इसके ऊपर का ढक्कन था वो हमें यहाँ से लगा देना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसके ऊपर का ढक्कन भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो ये ख़राब LED लाइट थी यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से जलेगी और दोस्तों यहाँ पर ये डिस्को लाइट की तरह ही जलेगी। चलिए मैं आपको इसको 5 वोल्ट के चार्जर से चलाकर दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट का हमारे पास ये एक अडाप्टर है, तो हम इसमें इस वायर को इस तरीके से जोड़ेंगे और दोस्तों इसके बाद हमें इसमें टेप लगा देना होगा। सो गाइस यहाँ पर आप देखिएगा कितना हमारा जो ये खराब LED लाइट थी ये अच्छे तरीके से फिर से काम करना शुरू कर दिया है और दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट भी इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं अपने घर की सारी लाइटें बंद करके आपको दिखा देता हूँ कितने बड़े इफेक्ट आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पाएंगे कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट हमें यहाँ पर इस लाइट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आराम से घर पर इसको बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसी तरीके की वीडियोस की जानकारी हमसे रोजाना लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। और दोस्तों इस टाइम दिवाली डेकोरेशन लाइट हम बना रहे हैं तो आपको हमारा ये वर्क कैसा लगा ये ज़रूर बताएँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।